मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अघोरेश्वर प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव का सबसे प्रबल शक्तिशाली रूप अघोरेश्वर की मनुष्य जब आराधना करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो उसे जल्दी से जल्दी सफलता, तीव्र सफलता क्यों मिलती है, अचूक रूप में सफलता क्यों मिलती है। भगवान शिव के अघोरेश्वर रूप की चर्चा करें तो अघोरेश्वर रूप बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। जितनी भी प्रकार की तामसिक शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी प्रकार की तंत्र की शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी प्रकार की देव शक्तियाँ, दानवों की शक्तियाँ, सबके अधिष्ठात्री देव भगवान अघोरेश्वर माने जाते हैं। इनकी साधना की खास बात यह है कि इनकी साधना करने वाले व्यक्ति को चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है, चारों तरफ से सुरक्षा मिलती है। आप अपने जीवन में सफल हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप अपने परिवार में खुशहाल हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपके तरक्की को देख नहीं सकते, आपके खुशहाल जीवन को देख नहीं पाते, ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहा जाता है। ये लोग जाने अनजाने आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जी का उपयोग करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जब उनकी जलन की सीमा बढ़ जाती है, आपका वो अच्छा बिल्कुल नहीं देख पाते, तब 4 तरीके के तंत्र प्रयोग होते हैं, उनमें से किसी एक प्रयोग का उपयोग करते हैं वे लोग। पहला तंत्र प्रयोग होता है, इसको हिंदू पद्धति कहते हैं। हिंदू पद्धति में तंत्र की बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, बहुत सी प्रयोग होते हैं। इन प्रयोग का उपयोग करके सामने वाले को लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है मुस्लिम परंपरा। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुछ तंत्र की क्रियाएं हैं, उनके द्वारा समस्या पहुंचाया जाता है। तीसरा होता है लामा मेथड, जो तिब्बत या नेपाल साइड में इनका उपयोग किया जाता है। इस मेथड के द्वारा लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं लोग। चौथा है वुडो टेक्निक, जो अफ्रीका साइड में होता है। इन 4 तरीके से सामने वाले पर प्रभाव डाला जाता है, तंत्र के प्रभाव को डाला जाता है। अघोरेश्वर की साधना करने वाला उपासक को इन 4 प्रयोगों को तोड़ने की क्षमता होती है, यानी इन 4 विधि से जो भी तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं उनका असर अघोरेश्वर साधक को नहीं हो पाता। यही कारण है कि अघोरेश्वर साधक जो होता है उसको मुस्लिम पद्धति, हिंदू पद्धति, लामा पद्धति, वो वुडो पद्धति, इन पद्धति से किया गया किसी भी प्रकार का तंत्र का प्रभाव अघोरेश्वर साधक को नहीं होता। इससे वो व्यक्ति हर तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। इसलिए आज हम अघोरेश्वर की चर्चा करेंगे और अघोरेश्वर की जो चर्चा इसलिए लाभदायक हो जाती है क्योंकि श्रावण मंथ में, श्रावण महीने में अगर भगवान अघोरेश्वर की साधना की जाए तो 10 गुना लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान अघोरेश्वर की साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में आप बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछा लें और उस पर आराम से बैठ जाएं। अब दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए अघोरेश्वर मंत्र ओम रोम अघोरेश्वर अघोरभ्यो फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम रोम अघोरेश्वर अघोरभ्यो फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी इस मंत्र की आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस मंत्र को किसी भी माला से जाप किया जा सकता है। याद रखें, इस मंत्र का अभ्यास 11 माला रोज 5 दिन तक नियमित रूप से करना है। 6ठे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, सिर्फ श्रावण महीने में यह अभ्यास 5 दिन का होता है।
और इस श्रावण महीने में आप सोमवार से कर सकते हैं या किसी भी दिन से इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रावण महीने में नहीं कर रहे हैं, किसी और महीने में करना चाह रहे हैं, तो किसी भी सोमवार से 21 माला रोज और 11 दिन तक की ये साधना करनी होती है। इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ श्रावण महीने में यह साधना 5 दिन की हो जाती है। 11 माला 5 दिन, किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। छठे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। जबरदस्त प्रोटेक्शन लेयर आपके चारों तरफ फैलती चली जा रही है। यहाँ पर चाहे वो तंत्र बाधा हो, किसी तरह की शत्रु बाधा हो, इससे आपकी सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3-5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।